There is a dirty business going on, a business that is so vastly spread that even after knowing about it, we are actually ignoring the fact. I'm talking about some universities that are making crores in the name of education, and they are actually scratching money out of students and their parents. जब मैं एडमिशन के लिए कॉलेज गई थी सो मैंने देखा मेरे फीस स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिफरेंट चार्जेस इंक्लूडेड थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी, मेडिकल फ़ी, इवन ट्रिप फ़ी भी इंक्लूड थी उसमें। बट सैडली मेरे फर्स्ट सेम कंप्लीट होने के बाद ही कोविड वेव आ गई और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, मेरी क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई। हाय, मैं नीलेश, मैंने MBA किया मार्केटिंग एंड फाइनेंस में रेगुलर मोड से। पढ़ने में अच्छा था तो प्लेसमेंट भी हो गई अच्छी। आई वॉज टू हैप्पी, सब बढ़िया चल रहा था। एक दिन कंपनी ने सीनियर मैनेजर हायर किया एंड वो मेरा जूनियर ही था कॉलेज के अंदर। यस, मेरा जूनियर। एंड आई फेल्ट लाइक चीटेड कि मुझे और मेरे बैचमेट्स को भी बिना किसी फैसिलिटी के यूज़ करे हमें इतना बड़ा अमाउंट ऑफ फी कॉलेज को पे करना पड़ा। फीस देने के बाद, इतना टाइम देने के बाद बुरा लगता है यार कि आज मेरा जूनियर मुझसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। I know it is a big statement, but I do have a valid explanation for which. Let's get back to a time of childhood. Do you remember? जब बचपन में हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा pocket friendly थी, बहुत ज़्यादा affordable थी और सस्ती थी. But अब हमें हर चीज़ के लिए ना extra pay करना पड़ता है. And even for education, we'll have to pay extra to get the right education from right place. But have you guys ever thought why? Or whether there is a loophole or not. I mean, why do we have to pay extra money to get the right education? हम आज की वीडियो में इस सवाल का जवाब जरूर जानेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना एक्स्ट्रा मनी पे करे हुए भी सारी की सारी फैसिलिटीज ले सकते हैं, और वो कैसे, उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो इसे लाइक भी करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे भी क्लिक कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में गिव अवे यानी कि एक सरप्राइज फॉर द फर्स्ट 50 लकी विनर्स, जिसकी डिटेल मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। इसीलिए इस वीडियो के साथ ना आखिर तक जरूर बने रहें। तो चलिए फिर इसके रूट कॉज तक जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले लेट्स सी हाउ फूलिशली वी आर स्पेंडिंग मोर मनी एंड दे आर मेकिंग बिग मनी आउट ऑफ इट। Now to prove my point, I can give you the perfect example of the facts. So basically, हम किसी भी university को चुनने से पहले उसके कुछ parameters को जरूर check करते हैं, जैसे कि उसके approvals, उसका fee structure कैसा है, placement कैसा है, faculties कैसी है, learning management system उसका कैसा है, आपको कैसी classes provide होंगी, और सारे factors को देख के आप एक university को चुनते हैं। तो अब हम इन्हीं factors में आपको reality दिखाते हैं। So सबसे पहला factors approvals का, मैं आपको केवल उन university के कंपैरिजन दिखाऊंगी जो कि बिल्कुल अप्रूव यूनिवर्सिटीज है। अब हम एक यूनिवर्सिटी का, लेट्स सपोज हम एक रेगुलर प्रोग्राम लेते हैं, रेगुलर MBA प्रोग्राम ले लेते हैं, और वहीं हम उसका ऑनलाइन MBA प्रोग्राम देखते हैं, और इन दोनों के फी स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करते हैं। हम बात करते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की। हम इसके रेगुलर MBA प्रोग्राम की बात करें तो इसका पर सेमेस्टर का फी स्ट्रक्चर है 1,90,000 रुपीज, यानी कि आपका लगभग 2 लाख का आपका एक सेमेस्टर है, और पूरा प्रोग्राम आपका 8 लाख रुपीज का हो गया इस हिसाब से। अब यहीं हम इसके ऑनलाइन MBA प्रोग्राम की बात करें तो 1,42,000 रुपीज में आपका पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इसके पर सेमेस्टर के फी स्ट्रक्चर से भी कम में आपका पूरा ऑनलाइन MBA प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसके अदर प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं, आप इसके UG प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको ये वास्ट डिफरेंस नजर आता है। और ये बात हम सब जानते हैं अब तक, बट स्टिल हम ये इग्नोर कर रहे हैं। बट किस बेसिस पे कर रहे हैं, आपको इनके अदर फैक्टर्स भी देखना है, तो मैं आपको वो भी आज कंपेयर करके दिखाऊंगी। बट पहले मैं ऐसे ही आपको और भी कई यूनिवर्सिटीज के एग्जांपल यहाँ दिखा सकती हूँ, जैसे कि वी हैव मणिपाल यूनिवर्सिटी। आप मणिपाल यूनिवर्सिटी का रेगुलर MBA प्रोग्राम करने जाएंगे तो उसका फी स्ट्रक्चर 16 लाख तक का है। वहीं अगर आप इसके ऑनलाइन MBA को करते हैं तो 1,50,000 रुपए में आपका इसका ऑनलाइन MBA प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप ये डिफरेंस देख रहे हैं,
कि फी स्ट्रक्चर में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है। ऐसे आपके पास और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि NMIMS जिसका 14 से 18 लाख तक का रेगुलर MBA, वहीं इसका ODN मोड पे MBA प्रोग्राम इज 1,68,000। Wait, there's another catch. In सभी high cost regular MBA program of universities के लिए you must clear entrance examination like CAT or university entrance examination और कहीं कहीं तो दोनों ही। But online MBA available है less fees and no entrance examination के साथ। So I know अब आप सब सोच रहे होंगे and I'm talking with the students and parents both, आप सब सोच रहे होंगे कि ना ये जो फी स्ट्रक्चर का डिफरेंस है दैट इज बिकॉज कि वहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी रेगुलर में, आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। तो आपका ये जो मिथ है ना इसको भी मैं अभी के अभी क्लियर करती हूँ। हम बात करते हैं इसके प्लेसमेंट की। सो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी 100% प्लेसमेंट का वादा कर रही है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन IIT और IIM आपको 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। एवरीवन हर यूनिवर्सिटी आप केवल प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। और प्लेसमेंट असिस्टेंस में आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, आपको करियर असिस्टेंस मिलता है, आपको CV वर्कशॉप मिलती है, आपको मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और आपको इंटरव्यूज के लिए फेस करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। इन सारी चीजों पर काम होता है। साथ ही जो प्लेसमेंट ड्राइव्स होती है यानी कि हायरिंग पार्टनर्स आते हैं यूनिवर्सिटीज में वो होता है। अब यहाँ पे ये तो हो गई रेगुलर की बात, बट आपको ऑनलाइन में भी ये सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। और इसमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अब कॉन्वोकेशन भी अटेंड कर सकते हैं ऑफलाइन, यानी कि आप ऑनलाइन मोड पे पढ़ सकते हैं और आप कॉन्वोकेशन भी अटेंड कर सकते हैं। साथ ही जो प्लेसमेंट ड्राइव्स है ऑफलाइन उन्हें भी आप अटेंड कर सकते हैं। और इसके साथ ना आपका ये जो प्लेसमेंट वाला जो मिथ था ना कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, वो भी अब तक आपका खत्म हो चुका होगा। बट आई नो अभी भी आप लोग कन्विंस नहीं होंगे एंड आपको चाहिए और भी कुछ एग्जांपल्स। तो अब बात करते हैं हम फैकल्टीज की। आप सोच रहे होंगे कि रेगुलर में जाएंगे तो अच्छी फैकल्टीज मिलेगी, रोज पढ़ाएंगे, रोज सामने होंगे आपके, बट वो आपकी लिमिटेड फैकल्टीज होंगी, आपके गेस्ट लेक्चर्स होंगे बट ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं होंगे। वहीं आप ऑनलाइन मोड से करते हैं तो फिर आपको अच्छे अराउंड द वर्ल्ड फैकल्टीज मिलती है क्योंकि वहां पे लिमिटेशन नहीं होती। अगर कोई इंडिया से बाहर भी है तो वहां से भी आपको ऑनलाइन के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकता है और आपको क्लासेस दे सकता है। ऑनलाइन मोड पे देखा गया है कि आपके ज्यादा से ज्यादा सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको इंडस्ट्री इनसाइट्स मिलते हैं। तो रही फैकल्टीज की बात, तो फॉर श्योर आपको ऑनलाइन मोड पे ज्यादा अच्छी फैकल्टी मिलती है। बट डोंट वरी, आपके लिए ना मेरे पास एक और पॉइंट है जिसके लिए आप अभी तक डाउट में होंगे कि ये तो चीज नहीं मिलेगी ऑनलाइन मोड पे, उसको भी मैं क्लियर करती हूँ, दैट इज क्वालिटी ऑफ लर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि जब फेस टू फेस क्लासेस नहीं होंगे तो फिर कैसे हमें क्वालिटी ऑफ लर्निंग मिलेगी, हमारे कोई डाउट्स होंगे तो वो कैसे क्लियर होंगे। बट आपको ना ऑनलाइन मोड पे ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है, आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट है तो आप सीधा आप अपनी फैकल्टी से बात कर सकते हो, आप उसे लिख सकते हो और आपको सारे के सारे सवालों के जवाब ना वहीं के वहीं मिल जाते हैं। तो आपका डाउट क्लियर सेशन भी हो जाता है। इवन एक्चुअली ये उन स्टूडेंट के लिए तो और भी अच्छा है जो ज्यादा हेजिटेट करते हैं, ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। मैं भी अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट थी और हेजिटेशन की वजह से मैं बहुत सारे सवाल नहीं पूछती थी। मुझे लगता था कि सब मुझ पर हंसेंगे या व्हाटएवर, हम सबको ऐसा लगता है। बट इसमें ना आपके सामने कोई नहीं होगा, आपको सीधा टाइप करना है और अपना क्वेश्चन पूछ लेना है। हेजिटेशन वाली चीज भी आपकी यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे खत्म हो जाती है। तो इवन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपका करिकुलम थोड़ा कम होगा, डिफरेंशिएट करेगा, बट ऐसा नहीं है। आपको तीनों मोड पे आपको सेम करिकुलम मिलता है, भले ही आप ऑनलाइन करें, डिस्टेंस करें या रेगुलर करें, आपको तीनों मोड पे आपका करिकुलम बिल्कुल एक जैसा होता है, आपको एक जैसे प्रोग्राम्स मिलते हैं, साथ ही आपको स्पेशलाइजेशंस भी सारे के सारे सेम मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा और आपको रेगुलर में मिलेगा, बस कुछ टेक्निकल कोर्सेस हैं जिनके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है और जिनके लिए आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है और वो भी अब ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन में काफी सारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है। तो चलिए फिर बात करते हैं गिव अवे
की जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स फिल करेंगे उनको मिलेगा फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज और उसकी पूरी की पूरी डिटेल ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही और भी आपको चीज़ें मिलने वाली है, यानी कि अब इसके साथ ही साथ आपको मिलेगी फ्री वीडियो काउंसलिंग विद दी एक्सपर्ट। अब आपकी करियर से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे 1-to-1 वीडियो काउंसलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं और हम आपकी पूरी के पूरे कन्फ्यूजन दूर करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब क्या रुके हैं, जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स को फिल करें। सो बेसिकली जो आपका सबसे बड़ा डाउट था कि आपको रेगुलर में वो सारी चीजें मिलती हैं जो आपको ऑनलाइन में कहीं ना कहीं नहीं मिलती, तो वो मिथ आपका यहाँ खत्म होता है क्योंकि आपको ऑनलाइन में भी सिमिलर चीजें बल्कि उससे भी बेहतर चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं। साथ ही आपको ये भी पता चलता है कि आप कम पैसे खर्च करे बिना भी आप एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं और एक सही यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ले सकते हैं। एंड फॉर दैट आप कॉलेज विद्या पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे आपको अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज मिलती हैं और आप वहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज के सारे फैक्टर्स देख सकते हैं, आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, उन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं और सभी फैक्टर्स को देख कर आप अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। तो अब वो जमाना गया जब आप वो जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग होती थी आप उसको फॉलो करते थे, अब आपको करना है स्मार्ट वर्क और स्मार्ट वर्क है ऑनलाइन के साथ। एंड आई नो कि आपकी इस स्टेप को लेने पे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग है इट इज ओल्ड काइंड ऑफ लर्निंग और पेरेंट्स के लिए हमेशा ना जो ओल्ड होता है वो हमेशा गोल्ड होता है और इन्होंने जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है दैट इज पेरेंट्स को ग्रैब करा हुआ है कि अटेंशन ग्रैब करी हुई है। बट हमें अपना एक बोल्ड स्टेप अब उठाना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, क्योंकि आगे का जो फ्यूचर है वो ऑनलाइन के साथ है और ये बात आप सब जानते हैं। सो इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। आई होप कि अब आप एक सही डिसीजन लें। सो और भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं या फिर हमारे नीचे दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक कर सकते हैं। टिल देन चैनल के साथ जरूर बने रहें।